हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों अभी इंतजार करते हैं, हमारे कबूतर इसके द्वारा बाहर निकलने वाले हैं। अभी तक कोई नहीं निकला, इधर इधर में तो निकल जाना चाहिए। हट जाओ, तो निकलेंगे अभी। वैसे हम एक बार देख लेते हैं हमारे कबूतर अभी कैसे हैं। वैसे तो कल पापा और निकुतम दोनों जने आए थे, पापा कल से वीडियो भी बनाने लगे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे पापा के लिए ना कमेंट भी आ रहे थे कि आप अपने पापा को बोलिए वीडियो बनाने के लिए। चलिए सभी तो है ही, अभी पता चल गया वो दोनों बच्चे ना उस कबूतर के हैं, नहीं तो ऐसा ना पता ही नहीं चल रहा था कौन किसके बच्चे हैं। उस कबूतर को ना हमने पकड़े थे जिसका एक आंख पीला है और एक आंख काला है। ओ भाई, ओ सिराजी इसमें बैठा है, सिराजी के ही दोनों बच्चे हैं। ओए होए होए, पर दोस्तों ये सिराजी नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि जो इसका मेल है वो सिराजी नहीं है, दूसरा है नस्ल, इस वजह से वो सिराजी नहीं हो रहा। हम लाए थे दो सिराजी, एक किधर में और एक किधर में, इधर भी बैठा है क्या? एक सिराजी किधर है, एक सिराजी किधर गया? ओ एक किधर में है, ये भी अंडे पे है। ये दोनों ना मेदी निकल गए, इस वजह से ऐसा हो गया। इधर अंडे पे ये भी बैठे हैं। ओ इन दोनों का ये जोड़ा है। हाँ इधर अंडे है, एक बच्चा उधर कैसे चला गया? चलो इधर, अरे वो बच्चा उधर उड़ के चला गया, उसी का साथी ये वाला है। बच्चे काफी सारे हो गए, चलो हटो निकलो। अभी हम आ गए बाहर, तो अभी आ गए हैं हम लोग रेबिटो के लिए घास लेने के लिए। तो इधर में ना काफी हरी हरी घासें हैं, मैं इन पत्तों को अलग करके फिर इधर से निकाल लेता हूँ घास। चलो चलो आ गया जी, पापा। क्या हुआ सुशी? अंदर बिल में गए होंगे। और बाकी सब इधर उधर भाग गए, कुछ डेड भी हो गए दोस्तों। ये एक और आ गया बाहर। एक दो तीन
वाली मुर्गी हो गई है कुरुक, अभी अंडे पे बैठाए हैं पर ये बैठ नहीं रही है। ये मुर्गी ना इधर में आके बैठ रही थी तो अभी तो अंडे भी नहीं दे रही है, पता नहीं इसको इधर में ही अच्छा लग रहा था। और छोटे छोटे ईंट के पत्थर है ना, ये वाले मट्टी वाले, उन्हीं को अंडे समझ के बैठ रही थी। तो पापा ऐसा किए कि इसको अंडे पे ही बैठा दिए। तो पापा कितने अंडे पे बैठाए हैं इसको? 9 अंडा है पर अभी बैठ नहीं रही है, पर कुछ दिन कुछ देर बाद बैठने लगी, कुछ दिन नहीं। एक हमारी मुर्गी इधर में अंडे पे बैठी है, काफ़ी अच्छा सेवा कर रही है, बहुत जल्दी इसके बच्चे देखने को मिलेंगे। सभी भाई हाँ क्या कर रहे हो? ले दी हमारे बकरियों का फीड है, बकरियों का फीड है ना, सभी को दे दिए हो क्या? नहीं इसको दिए, देखो खा नहीं, खा लो सिम्बा। तो ये हमारा सिम्बा है कि अभी खा नहीं रहा, उधर दे रखे हैं इसको फीड लेकिन खा नहीं रहा। ये इसमें से खाने को सोच रहा है। अरे वो तो मिला है ना। जाओ खाओ तुम, जाओ खाओ। ले जाके इसको हिरने को नहीं, उसको देना। चलो तुम खा लो, उसमें जाके खा लो पतीले में, जाओ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हिरनी के पास, अपने हमारी हिरनी उधर में है और बाकी जावा को भी दे दिए हैं हम लोगों ने। और हमारे रेबिट को देख लेते हैं इधर में, क्या कर रहे हो रेबिट? तो दोस्तों रेबिटों का जो फेस पे जो उनका खुजली हुआ था ना, वो अभी ठीक हो गया है, मतलब 50% ठीक हो गया है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, अभी जो है ना हमारे रेबिटों का जो सर पे जो है ना नए नए केस आ रहे हैं। और सभी भाई जो है ना हिरनी को उधर दे दिए हैं और सिम्बा को भी दे दिया, और हमारे गब्बर भी उधर उधर ही में है, और गब्बर भी जो है ना अपना फीड खा रहा है उधर में। सभी भाई ले आओ फीड, ले आओ हिरनी के लिए। हिरनी को नहीं दिए होते क्या? नहीं पानी दिए थे ना, अभी पानी पी। ओ अभी फीड आया हिरनी का, तो हिरनी दे रखा है इसको बाल्टी, बहुत ज्यादा गिराती है ना इसीलिए। हाँ वो क्या करती है ना, लात डाल करके ऐसे ऐसे गिरा देती है क्या? तो अभी सभी को फीड दे दी है, सभी को फीड दे दी है ना। खा क्यों नहीं रहे ये गब्बर है सभी भाई? इसका ना मैंने गब्बर नाम रखा है, खाता नहीं है। देखो क्या कर रहा है, इतना मैंने फीड गब्बर 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 मारता भी है गब्बर। ओ गब्बर वो गब्बर देखो, रुको देखो पिनक गया है। इधर दिखाओ अभी किस्सा हो रहा है, एक बित्ता से ज्यादा पकाने इसका। सही में यार बड़ा वाला खाने लेकिन छोटा हो गया थोड़ा क्या? देखो मैं इसको पिनकाऊं। ओ गब्बर गुस्सा करेगा अभी, गुस्सा नहीं मरखा बन जाएगा, मारने लगेगा कि सभी को। तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग कि भाई किसी को भी मारने लगे, नहीं तो नहीं मार दिया था। हाँ मम्मी कह रही थी कि मेरे को मार दिया, मम्मी भी कह रही थी, मम्मी को भी मारा था, पापा के तो हाथ ही फाड़ दिया था मार के सिंह से। सिंह जो है ना बहुत ही नोखीला है गब्बर का, क्या समझ भाई? और देखो ये कैसा निकल रहा है इससे। हाँ ऐसे दोनों साइड निकल रहा है, अभी ये जब पूरा इसका निकल जाएगा ना काफी तगड़ा ही हो जाएगा। इसको अभी रखेंगे हम लोग अपने पास में ही। तो पर तुम्हें देख रहा है तो गुस्सा भी कर रहा है। नहीं मैं इसके साइड से हट जाता हूँ। फिर नहीं खा लो अरे खाओ ना उधर जाके खाओ। ये लोग को फीड अच्छा नहीं लगा है क्या? नहीं इनको फीड तो अच्छा लग रहा है लेकिन लोगों चोकर मतलब जितना दोगे ना उतना ही लोगों को नखरा हो गया। देखो कितना दे दियो, देखो ना सिर्फ भूसा कम चोकर ज्यादा, चोकर तो ज्यादा है लेकिन इसमें जो है ना इसमें फीड ज्यादा दे दियो इसके औकात से। इसीलिए उसको सब मेरे ही को खाना है। हाँ इसीलिए वो नहीं खा रही है। कहते हैं ना जिसके पास रहता है ना उसको जितना दोगे ना उतना कम रहता है। कम नहीं इसको ज्यादा हो गया है, इसको तो ज्यादा हो गया इसीलिए इसे ज्यादा खाया नहीं जा रहा। ये देखो अरे सुनसो जी क्या कर रहे हो, ये डब्बा लेकर के क्या लाए हो इसमें? भुंजा भुंजा है, कौन खाएगा? हाई की अभी भाग गया। हमारी जावा जो है, हमारी जावा बहुत प्यारी बकरी है, किसी को कुछ नहीं बोलती, अपना प्यार से खाती रहती है। तो ऐसा जावा नहीं है, जावा का फेस ही ऐसा है। देखिए ये जो सिंह है ना ये उठा उठाया ना इसको, तो कुछ लड़के आए थे हमारे गांव के अगल बगल के, तो बोल रहे थे कि जावा का सर फूट गया है। पापा बोल रहे थे ना कि इस फाउंटेन को जल्दी से साफ कर दो नहीं तो तुम लोगों को पीटोगे भी भाई। पापा अरे पापा आ भी गए, लो पापा आ गए सभी भाई। दोस्तों पापा भी बहुत गुस्से में है, करो करो भाई सभी भाई सफाई करो, हट जाइए पापा, हाथ लगा दीजिए थोड़ा।
ये देखो गाइस कैसा हमारा फाउंटेन हो गया। क्या हुआ था ना दोस्तों, इधर जो सरसों रखा हुआ था ना उसको हम लोगों ने मशीन बुला करके दबा दिए, इस कारण ये जो फाउंटेन में जो पूरा गाज गाज हो गया है, इन सबका गर्दा पड़ गया है और हमारी फीस जो है ना दिख नहीं रही है। सारा नाश हो गया, टोटल नाश हो गया। पापा मछली तो नहीं ना मरी है ना, सिर्फ फाउंटेन गंदा हुआ ऐसा। अरे पापा वो क्या मर गई है क्या मछली? पापा उसको नहीं, अरे सारी मछलियां मर गई हमारी। गाइज ऐसा है ना कि फाउंटेन में बहुत ही तो पानी भी नहीं चेंज कर सकते, पानी भी चेंज नहीं किए हैं, नहीं कर सकते ना, बहुत मरी हैं भाई। वो देखो ना कितने वाइट वाइट हो गई हैं, हटो 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 हटो, सब मर गए। ये लग रहा है दो दिन पहले ही मर गई थी। वो देखो भाई, इसीलिए ना जो मछली उछल रही थी ना सभी भाई दिख नहीं रहे थे, सब वाइट हो गई है। सारा गंदा करके रखे हो पापा, साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, अभी कर दे रहे हैं। पापा दूसरी मछली लेके आए, कमेंट आया था हम लोगों को कि वो वाली मछली लेके आने के लिए, कौन सा सभी भाई? कोक्रोडोल, वो जो है ना सब गर्दा खा जाएंगे। रहु और कतला, रहु और कतला पापा बाहर नहीं निकलेगा, रहु और फानता है दोस्तों, रहु नहीं लेके आएंगे, वो कॉकटेल कौन है ना उसको लेकर के आएंगे, सारे गर्दा गंदगी जो है ना वो खा जाएगी। मरी है, मरी है कि पत्ता है दोस्तों, ऐसा हुआ है ना, ज्यादा मछलियां नहीं मरी हैं, आप लोग डरिए मत, क्योंकि दो ही मछली मरी है, बाकी क्या हुआ ना पत्ता आम का गिरा है ना, तो उसी को देख करके मेरे को लग रहा है ना कि काफी ज्यादा मछलियां मर चुकी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दो ही मछली अभी तक मरी है। और पापा जो है अभी दोनों को निकाल दिए हैं बाहर में, और पापा इसको फाउंटेन को सफाई करने में लगे हैं। और सभी भाई जल्दी कर दो भाई, भाई हम लोगों को कहाँ है मुंशी, मुंशी कहाँ गया? ये रहा, इसमें है वो, क्या उसमें है, वो है पानी में नहीं निकलता दोस्तों, मुंशी जो है ना पानी में नहीं निकलता, वही रहता है। मुझे लगा है बड़ी मछली, मैं भी वही देख रहा, देख के पागल हो रहा था कि सारी मछलियां मर गई क्या। ये देखो कि दोस्तों यही सब पत्ते जो है ना उलट 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 के गिरे हुए अंदर में, और इस कारण से मेरे को डर लग रहा था कि सारी मछलियां मर गई। चलो हटा दो सभी भाई, इसको हटा दो, फाउंटेन दोस्तों आज भी चालू नहीं हो पाएगा क्योंकि फाउंटेन में अभी सफाई बाकी है। और दोस्तों ऐसा हो रहा है ना कि इतना तगड़ा हवा चल रहा है ना कि बिजली वाले लाइन नहीं दे रहे हैं, इस कारण हमारा फाउंटेन भी जो है ना, नहीं तो आज तो फाउंटेन चलाने का पूरा मन था। क्या समी भाई पापा चुप रहो, नहीं तो पापा डांट, पापा डांटेंगे। दो दिन से बोल रहे फाउंटेन साफ करना है, फाउंटेन साफ करना है, हो नहीं रहा है। हाँ मेरे को ही बोलते थे, पापा भी उधर लगे हुए हैं। पापा क्या करेंगे, ओली मछली लेकर के आएंगे? अरे पापा ने एक मछली और पकड़ा, ये क्या हो गया हमारी मछलियों को, गर्मी से मरनी है क्या? सर पानी ठंडा है, पापा बोल रहे पानी ठंडा है, गर्मी से नहीं मर रही, ठंडी से मर रही है, पानी चेंज नहीं हुआ ना इस वजह से, पानी गंदा के कारण से ना, इसीलिए हमें कमेंट आ रहा था कि कोकटोल रखेंगे ना तो नहीं मरेगी। कोकटोल रखेंगे भाई, रखेंगे, ले करके आएंगे जब। बोलो नहीं पापा गुस्सा भी करेंगे अभी। पापा नहीं गुस्सा करेंगे, क्या हुआ पापा? पापा ये क्या है? अरे पापा ने तो चन्नी लेके आए हैं सारा कचरा निकालने के लिए, तो हम लोग इसको सफाई आज बड़ी प्यार से हो जाएगा इससे। ये देखो गाइस देसी जुगाड़, पापा के पास दिमाग है सभी भाई, हम लोगों की तरह नहीं है पापा बुरबक। ये देखो गाइस, तो आज फाउंटेन का सफाई हो रहा है, और कल हो सकेगा तो लाइट आएगा तो हम लोग फाउंटेन चालू करेंगे। तो जब कल फाउंटेन लाइट आते ही फाउंटेन पहले चालू करेंगे, और फाउंटेन में से पानी गिरा करके आप सभी को पानी भी साफ हो जाएगा, और मछलियाँ भी कुछ कुछ दिखेंगी आप सभी को। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, आशा करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, बाय।